आपको दिखाते हैं आज वासुदेव जी और नागेश्वर जी का फार्म हाउस। यहाँ पे इन्होंने खीरा की फसल लगा रखी है। ये वॉकिंग टनल है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी गई है और 1700 पौधे लगे हुए हैं इसमें खीरा ककड़ी के। क्या और एक तो नागेश्वर जी से मिलते हैं। नागेश्वर जी, कौन सी फसल लगा रखी है सर आपने? खीरा लगा रखा है। कितने पौधे लगे हुए हैं? 1700 पौधे। 1700 पौधे लगे हुए हैं। तो कितने देखें, उत्पादन देख लेते हैं, कितना सारा उत्पादन आ रखा है। बहुत सारे मतलब यहाँ पे लगे हुए हैं फल अभी खीरा के। हर लगभग लगभग हर पत्ते पे एक नया नया ये आ रहा है। क्या कुछ पौधों की साइज़ छोटी है, कुछ पौधों की साइज़ बड़ी है और उन्होंने ऊपर तक बांध रखा है इनको। और अभी क्या रेट मिल रहा है नागेश्वर जी? 25 से 30। 25 रुपये किलो से 30 रुपये किलो। कितना उत्पादन निकल जाता है इसमें 1.5 क्विंटल तीसरे दिन निकलता है, एक हर दिन छोड़ तीसरे के। दिन, मतलब एक दिन छोड़ के 1.5 क्विंटल के आसपास निकल जाता है। कितना एरिया है इसका? 500 मीटर 500 मीटर के आसपास एरिया है। अच्छा, और 1700 पौधे हैं इसके अंदर। 1700 अच्छा, और मतलब पानी की कितनी कितनी आवश्यकता होती है इसमें? पानी की तो रोज चाहिए, रोज़ पानी चाहिए होता है। रोज एक अच्छा घंटा सुबह शाम। अच्छा और आप और वासुदेव जी दोनों मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और घनश्याम जी भी मेहनत कर रहे हैं ना। और ये कौन सी वैरायटी है? फाड़िया कंपनी, कौन सी? फाड़िया। फाड़िया। ये चाइनीज़ वैरायटी लग रही है। हाँ चाइनीज़ है ना, चाइनीज़ ककड़ी है ये। और मार्केट में रेट भी अच्छा है, गर्मी के सीज़न में इसको लोग खाना पसंद करते हैं। हमारे आसपास जो मतलब ये कहाँ बेचते हैं आप इसको? जावरा मंडी, जावरा मंडी के अंदर। 25 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ से 25 किलोमीटर है। और अभी तक कितना खर्चा हो चुका है आपका पूरा खीरा ककड़ी के अंदर? सीट से ही थे 11,000 के। 11,000 के केवल सीड से। और उत्पादन कितना निकल गया अब तक? 15 क्विंटल 15 क्विंटल के आसपास। मतलब आपका खर्चा निकल गया है और आपकी निकल थोड़ी गया। मेहनत भी निकल गई है। और ग्रीन किसान हाउस भाइयों को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, बट मैनेजमेंट भी सही साट होना चाहिए, अच्छा, मैनेजमेंट भी सही लगा के साट होना छोड़ मत चाहिए। देना। और एक और चीज़, ये क्या बाहर के, जैसे कि आपने तो क्या पोली हाउस लगा रखा है, मतलब नेट हाउस लगा रखा है, इसमें कोई समस्या नहीं है यहाँ पे? क्या मतलब सिचुएबल क्लाइमेट मिल रहा है क्या? बाहर भी हो सकती है ये हो ककड़ी सकती है, बिल्कुल हो सकती इतनी धूप में? है जी। अभी आप बाहर का टेम्परेचर आपको पता है कितना है? 34 डिग्री के अंदर आसपास ज़्यादा है। का 45 हो जाता है दिन में। अच्छा, ह्यूमिडिटी के साथ में 45 हो जाता है, तो क्या बाहर भी हो सकता है ना हो ये? सकता है। हाँ, सही है। और इसके साथ में आप और भी कोई फसल ले रखी है आपने? अच्छा, ये टेस्ट करने के लिए टमाटर लगाए। टेस्ट करने के लिए टमाटर लगाए। अच्छा, आपने ये सेटअप कब लगाया है, कब है, कब आपको गवर्नमेंट की सेंशन हुआ, कितनी सब्सिडी मिली इसके अंदर? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो चुके हैं। अच्छा, कितना कितना रुपए का खर्चा आया इसको लगाने में? 1,62,500 रुपये 1,62,500। कितना गवर्नमेंट के साइड से सब्सिडी मिला? इतना ही। अच्छा, 50% सब्सिडी है ना? तो 3,40,000 के आसपास, 3,40,000 45,000 के आसपास का सेटअप है। 3,25,000 तीन हज़ार पच्चीस तीन तीन लाख लाख पच्चीस पच्चीस हज़ार के आसपास का, तो इतना आपको सब्सिडी मिल गया। तो एक और हैं वासुदेव जी मेहता, जो इसी के पार्टनर हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। चिल्ला किशोर माली काम कर रहा है, बोला दुकान से 1,000 रुपये रहने अच्छी है, वो दे रहा हूँ मैं फर्जी दे दूँगी, लेकिन जो जो मेरा माल होता है चलो छोड़ो, वो तो ऐसे में तो दे दूँगा। मेरे भाई था प्रकाश, मेरे तो प्रकाश दुकान राजी नहीं थी, बाला जी कह रहे प्रकाश की है।